इस वीडियो में हम तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला माय पीआरपी रिजल्ट्स आफ्टर 6 मंथ्स, दूसरा क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या आपको पीआरपी करवाना चाहिए, और तीसरा व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ पीआरपी इन इंडिया एंड इन दुबई। मैंने मेरा पहला पीआरपी सेशन 6 महीने पहले करवाया था अप्रैल एंड के अराउंड, और 3 पीआरपी सेशन करवाए इन टोटल मैंने, 2 दुबई में करवाए थे और 1 इंडिया में। तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को मैं सुबह शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर धूप है और ये रहे मेरे बाल, ये आप देख सकते हो। आपको क्या लगता है, लेट मी नो योर जेन्युइन एंड ट्रू फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप मुझसे पूछोगे आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट्स, सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 में से 6 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जो पहले का सिचुएशन था उसके कंपैरिजन में ये काफी अच्छा है, बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मेरे बाल बहुत थिक है, इसके पीआरपी करने के बाद आपके बाल बहुत डेंस आएंगे, नहीं ऐसे कुछ नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसीजर होता है। अगर आप देखोगे यहाँ के बाल बहुत थिक है, यहाँ के पीछे के, लेकिन यहाँ के बाल थिन है ये मैं मानता हूँ, क्योंकि पीआरपी अगर आप देखोगे वो आपका खून निकालेंगे और वही प्लेटलेट्स आपके स्कैल्प में डाल देंगे, ये एक नेचुरल प्रोसीजर होता है, अनलाइक हेयर ट्रांसप्लांट। पीआरपी होता क्या है, इस प्रोसीजर में दर्द कितना होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हमारे चैनल पर, मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीआरपी करने के बाद 100% रिजल्ट आ जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप सिर्फ पीआरपी पर डिपेंडेंट हो, मेरा आंसर होगा नहीं, पीआरपी सिर्फ एक जरिया है, उसके अलावा आई सी टू इट कि मेरा डाइट बहुत अच्छा है, आई एम इंक्लूडिंग नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स इन माय डाइट, जैसे बीटरूट, कैरेट, आंवला, टोमेटो, उसका मैं जूस बनाकर पीता हूं, उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। इसके अलावा आई एम यूजिंग मिनोक्सिडिल, रोलर, राइस वाटर, हेयर मास्क, इन सारे टॉपिक्स के रिलेटेड हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हमारे चैनल पर, मेक श्योर यू चेक ऑल दोस वीडियोस आउट। दूसरा सवाल, क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या आपको पीआरपी करवाना चाहिए, ये मेरा जेन्युइन फीडबैक है गाइस। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और उनको देखकर आप पहचान सकते हो कि इसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, और इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि यहां के जो बाल होते हैं ये बहुत थिक और डेंस होते हैं, जब आप ट्रांसप्लांट करवाओगे यहां पर डिफरेंस इजीली मालूम पड़ता है। मुझे बताना अगर आपने भी किसी को देखा एंड यू आर इजीली एबल टू फाइंड इट आउट कि हां ये तो ट्रांसप्लांटेड बाल है, लेट मी नो इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे यूड बी इन्वेस्टिंग अराउंड 1 to 3 lakhs ऑफ योर हार्ड अर्न मनी डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिक, और आपके बाल वापस आने के लिए इट वुड टेक अराउंड 1 ईयर और इवन मोर देन दैट। इस दौरान आपको पीआरपी करवाते रहना पड़ेगा, सो राइट आपके जो पतले बाल है दे आर इन गुड कंडीशन, और आप वरीड रहोगे क्या मेरे बाल थिक आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे दिखेंगे वो। इसके अलावा आपको टैबलेट्स लेते रहना पड़ेगा सच एज फिनिस्ट्राइड, तो काफी टेंशन है इस पूरे प्रोसीजर में। और हेयर ट्रांसप्लांट भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, अगर आप रणबीर कपूर को देखोगे ही हैज डन मोर देन 5 to 6 hair transplants and each transplant would cost around 3 lakhs or even more than that, aur wo to premium clinics mein hi jata hoga, and then uske baad bhi easily you can find it out ki ha ye transplanted baal hai। So my answer on should you do hair transplant or a PRP, I would feel initially aapko sare natural ways try kar lene chahiye, jaise as PRP, good diet, minoxidil, derma roller, rice water, ye sab, and then hair transplant karwana ya nahi karwana ye to completely aapka call hai, but I would want to stick to the natural way। So ab teesre question ki baat karte hain, what are the prices of PRP in दुबई एंड इन इंडिया। तो मैंने दोनों जगह पर पीआरपी करवाया था, दुबई में इट कॉस्ट अराउंड 14,000 rupees फॉर पर पीआरपी सेशन, और इंडिया में इट कॉस्ट अराउंड 2,000 to 5,000, ये रेंज है। दोनों सिचुएशंस में लाइक इंडिया हो या दुबई, प्रोसीजर तो सेम है, आपके हाथ से खून निकाला जाता है, उसको एक सेंट्रीफ्यूज में वो डालते हैं एंड देन प्लेटलेट्स आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। दुबई में थोड़ा सर्विस अच्छा हो सकता है, बट इंडिया में भी अगर आप अच्छी क्लिनिक्स में जाओगे आपको इजीली अच्छी सर्विस मिल जाएगी। सो आई वुड रेकमेंड, अगर आप दुबई में रहते हो गो एंड डू पीआरपी इन इंडिया, अगर आप इंडिया में रहते हो तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मिनोक्सिडिल और डर्मा रोलर ने मेरी काफी मदद की है व्हेन इट कम्स टू हेयर लॉस, मेक श्योर यू चेक दिस वीडियो। और गाइस इस वीडियो को ना आपके एक दोस्त के साथ शेयर करना हु इज एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ हेयर लॉस, हु इज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हेयर लॉस, क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, लाइक पीपल आर गोइंग टू कॉलेजेस, स्कूल्स, उनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इस वीडियो से किसी की मदद हो सकती है वुड बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प टू दैट पर्सन, और एक लाइक भी जरूर देना इस वीडियो को। एंड ऑन द सेम नोट आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड आई मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, मच लव, गॉड ब्लेस यू।